डॉक्टर साहब, आज का खाका क्या है? आज जो है हम मुख्तलिफ एंकर्स हैं। वाह वाह वाह, उन पे है। ये शैतान बैठा है इसके अंदर के मुख्तलिफ एंकर हैं, गड़ाइयां लेके जा के। आए डॉक्टर साहब प्लीज। जी, अच्छा एंकर उसे कहते हैं जिसे पता हो कब बोलना है और कब चुप होना है। मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? और जिसे ये ना पता हो उसे सीनियर एंकर कहते हैं। कामरान खान एंकर्स के शाहरुख खान हैं। वो शो तो घंटे का करते हैं मगर इतना रुक रुक कर करते हैं कि चैनल को उसे 1.5 घंटे के स्लॉट में चलाना पड़ता है। उनकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स होती है। मुर्गियां तक अंडे की कीमत ज्यादा करने से पहले खान साहब को बताती है। हसन नसार वो टीवी एंकर हैं जिनके बारे में पूछा जाए वो टीवी पर क्या करते हैं तो जवाब यही होगा, गुस्सा करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी को बर्दाश्त करना तो दूर की बात, वो तो ज्यादा देर खुद को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुफ्तगू में 5 मिनट हो जाएं और वो शाउट ना करें तो सामने वाले को लगता है या इनकी तबीयत खराब है या इन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। मुबशर लकमान जब एंकर पर्सन नहीं बने थे तब भी एंकर पर्सन ही थे। किसी को दुआ भी यूं देते जैसे धमकी दे रहे हो। किसी को चाय पर बुलाएं तो बंदा मोहब्बत से नहीं पीता, इस डर से पीता है कि ना पी तो FIR ना कटवा दे। वसीम बादामी सबसे अच्छा सेल्समैन है, वो गैर मुसलमों को मसल्ले तक बेच सकता है। ऐसी पर्सनैलिटी है कि आपने 20 मरतबा भी देखा हो फिर भी देखकर सोचेंगे कहाँ देखा है। आदमी रमजान ट्रांसमिशन हो या कॉमेडी शो हो, सियासी शो हो, गेम शो हो, कोई भी शो हो, ऐसे करता है कि देखने वाले को पता ही नहीं चलता कर क्या रहा है। सलीम साफी इतना धीमा और ठहर ठहर कर बोलता है कि उसके 2 जुमलों के दरमियान आसानी से मरियम नवाज की तकरीर फिट हो सकती है। वो इतना सॉफ्ट स्पोकन है कि किसी को गाली भी दे तो दूसरा समझता है दुआ दे रहा है। बुजुर्ग उन्हें यूं दुआएं देते हैं, साफी अल्लाह तुझे तरक्की देकर साफा बनाए। साफी साहब अगर एंकर ना होते तो अच्छे लेडीज टेलर होते। इरशाद भट्टी बोलते एंकर की मर्जी से हैं मगर चुप अपनी मर्जी से होते हैं। बैठे हुए इतने हिलते हैं कि लगता है कुर्सी पर नहीं बैठे तत्ते तवे पर बैठे। बातें बहुत फनी करते हैं मगर लोग हंसते उनकी संजीदा बातों पर ही हैं। लिखे पढ़े साफी हैं, टीवी शोज में लोग बोल रहे होते हैं ये लिखा पढ़ रहे होते हैं। अगर वो एंकर ना होते तो जिस तरह सबकी बैंड बजाते हैं अच्छे बैंड मास्टर होते। गरीदा फरूकी के बारे में बिलाशुबा कहा जा सकता है कि वो ऐसी एंकर पर्सन है जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उसके प्रोग्राम में मेहमान भी बोल रहे हों तो कैमरा गरीदा फरूकी पर ही होता है। वाह वाह वाह।